करोड़ों रुपए की लागत से बनी जल निगम परियोजना ध्वस्त, जनता पानी के लिए परेशान। प्रयागराज के विकास खंड मेजा के भटौती गांव में 3 करोड़ की लागत से बनी जल परियोजना ध्वस्त हो गई है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं, ग्रामीण दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। बता दें कि सपा के विधायक रहे गिरीश चंद्र पांडे ने ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए वर्ष 2015 में अपने कार्यकाल में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से पानी की टंकी का निर्माण करवाया था, लेकिन उक्त पानी की टंकी जब से बनी है तब से पानी की सही ढंग से आपूर्ति लोगों को नहीं दे पाई है, जिसके चलते लोगों को पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ग्रामीण दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। आरोप है कि कभी कभार पानी आता है, उसके बाद बिल लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन समस्याओं को दूर नहीं कर रहे हैं। वहीं जल निगम के ऑपरेटरों से बात हुई तो बताया गया कि न तो तनख्वाह कोई देने वाला है, न तो कोई कनेक्शनधारी बिल के नाम पर पैसा देने वाला है। पाइपलाइन फट गई है, पूरा सिस्टम खराब हो गया है, रिपेयरिंग कैसे कराएं? बहरहाल गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्याएं धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई हैं। ग्रामीणों ने सरकार से गुजारिश की है कि उक्त जल निगम परियोजना को चालू कराए, जिससे जनता में खुशहाली आए और सरकार के प्रति जनता का भरोसा और मजबूत हो। यार साहब 5 साल से लगी है, 5 साल से 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद बोलेंगे पैसा दो। अच्छा, तो क्या पानी नहीं आता? पानी नहीं आता। तो जो ऑपरेटर हैं वो क्या कहते हैं? वो लोग बोलते हैं कि मोटर जल गई है, यही हो गया, हो गया। अच्छा, तो पानी आप लोग, पानी की व्यवस्था क्या है आप लोगों के यहाँ, कहाँ से ले आते हैं पानी? हम लोग स्कूल से ला रहे हैं, दूरी 500 मीटर। अच्छा, तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? अरे हमारी सुविधा करें भाई, हम यही कहता है, हमारा पानी का सुविधा करें, घर द्वार भटौती कॉलोनी। अच्छा।